So guys, what is etiquette? It's not etiquette, it's etiquette. Etiquette. Why? Because I already told you guys, American, if they saw a T between two wall letters, becomes D. That T is gonna be D. D. Etiquette. So this is not etiquette. Etiquette. Manners. Etiquette. Manners. Manners. So, first of all, your first etiquette on calls, about calls to OGA, you should be avoid using slangs. Slangs means fun of customer. If, for example, if customer said, you ask that customer, how are you doing today? And customer said, oh, I fell down from the stairs. And you're like, oh, I'm really sorry to hear that. You fell down from the stairs. Yeah, that's kind of slang. That's not good. That's not good. So don't get into that type of tones. And make use of phrases such as, may I help you? You're welcome and thank you. Thoda takalluf mein rehna hai customer ke saath. Theek hai? एक अच्छे सेल्स रेप की यही निशानी होती है, वो कस्टमर से जैसे ही उसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसको रिस्पॉन्ड मिलता है, तो वो सेल्समैन उसको ऑलराइट, ओके, थैंक यू, ओके, दैट्स गुड, ये सारे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? नाउ पुट द रिसीवर डाउन जेंटली, नेवर स्लैम द फोन. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एंड योर कॉल, यू हैव टू जेंटली पुट योर रिसीवर डाउन, डोंट स्लैम द फोन. कस्टमर पे आपने कभी एकदम से ऑलराइट थैंक यू बाय, उसका बाय भी सुन ले, ठीक है? ऑलवेज स्पीक क्लियरली सो द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. इतना क्लियर बोलो कि दूसरे बंदे को क्लियरली समझ आए कि आप क्या कह रहे हो और आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? व्हेन पिकिंग अप द फोन, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई योर कंपनी एंड योरसेल्फ टू द कॉलर. जब भी आपका कस्टमर कॉल पे आता है, आपका पहला काम क्या है? फॉरन से आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड योर कंपनी टू दैट पर्सन. दैट्स द फर्स्ट थिंग. व्हेन ट्रांसफरिंग कॉल्स, मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रोसीजर फॉर कॉल. इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द नेम ऑफ द पर्सन यू आर ट्रांसफरिंग द कॉल टू. आपने जब भी कॉल ट्रांसफर करनी होगी गाइस, यू विल गेट टू नो कि आपकी ट्रांसफर कौन सा बंदा दे रहा है, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि यार जब भी मैं ट्रांसफर करता हूँ आगे ये उठा रहे हैं. तो आप कस्टमर को मेंशन कर दीजिएगा, वेल आई एम गोना लेट यू स्पीक विद माय स्पेशलिस्ट, हिज नेम इज जॉन एंड ही इज गोना टेक ओवर द कॉल. एक राइट प्रोफेशनल वे है कॉल ट्रांसफर करने, ताकि कस्टमर को भी पता हो कि आने वाले बंदे का नाम जॉन है और जॉन मुझे इसके बारे में मजीद बताने वाला है. ओके, ठीक है? सो द थिंग इज, इफ वी डोंट नो टू हू वी आर ट्रांसफरिंग द कॉल, देन डोंट मेंशन इट. जस्ट लेट योर कस्टमर नो दैट आई एम गोना पुट यू ऑन अ होल, आई एम गोना लेट यू स्पीक विद माय स्पेशलिस्ट, सो प्लीज डोंट हैंग अप, आई विल बी राइट बैक. ये उसको मेक श्योर करवाना. Or we can say just hold on the line for a moment. If you mind holding on the line for a moment while I connect you to the... Don't commit anything, like for a moment. Stay with me on the line for a few seconds. Iske baad customer hang up kar jayega. Time duration nahi commit karni hai aapne customer ko. Just give me some time and I'm going to connect you with this special... Simply, I'm going to put you on a slide hold. I'm going to let you speak with my specialist. He's on another line, so let me connect you with my specialist. Please don't hang up. I'll be right back. Okay. So that's gonna be more effective line for hold. Okay, always adapt a pleasant voice tone and be attentive. What is a pleasant voice tone? Pleasant voice tone is something in which you are having right ingredients, like your energy in your voice, right pronunciation, right responses, and प्लेजेंट वॉइस टोन में कभी भी लेजी वॉइस टोन नहीं आती, प्लेजेंट वॉइस टोन में कभी स्लीपी वॉइस टोन नहीं होती. सो आपकी थ्रू आउट द कॉल्स, आप हजार कॉल भी ले रहे हो तो आपकी वॉइस टोन प्लेजेंट होनी चाहिए, ठीक है? व्हेन प्लेसिंग अ कॉल ऑन होल्ड, इन्फॉर्म द कॉलर ऑफ द सेम. जब भी आपने कस्टमर को होल्ड पे लगाना है, आपने उसको बताना है कि आई एम पुटिंग यू ऑन होल्ड, प्लीज डोंट हैंग अप, आई विल बी राइट बैक, मेक इट श्योर, ठीक है? Don't interrupt the caller when speaking. कभी भी आपने अपने कस्टमर को इंटरप्ट नहीं करना जब वो बोल रहा होगा. इंतजार करना है, वो चुप करेगा फिर बोलना. मैंने बहुत से ऐसे भी बॉयज सुने हैं
जो क्या करते हैं, कस्टमर अभी बोल रहा होता है तो बीच में ही अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं, या आप बोल रहे हो और कस्टमर बीच में बोल पड़ा है तो आपका काम बनता है चुप कर जाओ। कॉल आपने की है, कस्टमर ने तो कॉल नहीं की। जैसे ही कस्टमर कोई बात बोलता है फौरन से चुप कर जाओ, सुनो, उसके बाद प्रोसीड करो, उसके सवाल का जवाब दो पहले। मैंने अक्सर लड़के ऐसे देखे हैं जो कस्टमर ने अगर इधर वो क्वेश्चन कर लिया, I'm calling to inform you about a fire expense insurance plan that has just been approved in your state, इधर कस्टमर ने क्वेश्चन कर लिया, कोई एजेंट ने उस क्वेश्चन को इग्नोर करके ओके एंड दिस लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज डिजाइंड टू, ऐसा नहीं करना, उसके सवाल का जवाब देना है फिर आगे चलना, ठीक हो गया। Now, when initiating a call, spend a few moments to mentally prepare yourself so that you know what need to be said or discussed. हर कॉल जैसी खत्म हुई है, नई आने वाली कॉल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, हर नई आने वाली कॉल पे अपने आप को इम्प्रूव करो पिछली कॉल से। आपको पता होगा यार, लास्ट कॉल में मैं इधर से आगे थोड़ा रह गया था, या मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से कस्टमर चला गया, तो अगली कॉल पे इम्प्रूवमेंट लेके उससे अगली कॉल पे और इम्प्रूवमेंट करते करते जब आप 1000 कॉल 2000 3000 कॉल्स ले लोगे कुछ दिनों में, तो फिर आप देखोगे कि यार आपके अंदर तो एक बड़ा चेंज आ गया, एंड यू विल रियलाइज दिस थिंग इन वेरी फर्स्ट वीक। ठीक है, Right. You have to evaluate yourself. और उससे next आने वाली call पे you have to be more effective. Different. You have to be different. You have to be improved on every next call. Keeping the mistakes you made in the previous. Exactly. हर नई call पे अपने आप को improve करो. Improve. करते करते आप एक ऐसे level पे आ जाओगे जहाँ पे आप senior sales rep के लाना शुरू हो जाओगे. जहाँ पे शायद आप एक दिन इधर खड़े होगे इस room में training दे रहे हो. Never know. Right? Yeah. It all depends on your effort, your hard work, your consistency in your work. You started 12 years back, now look at you. Yeah. You're teaching here, you're charging money for going and teaching classes, so it's an improvement. Mm-hmm. And you started... Why people called me up? Because they always had seen good results. You started like us as a fronter, right? Yeah. You used to sit in the class and listen. Yeah. Did you guys get the training at that time when you started? That was not that type of training. That was the training I was getting from... On job.